अरे मेरे पास में बाजी अम्मी जी खाला ए अंकल प्लीज ए बच्चे बैठो 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 ना पहले मेरी बात मेरी बात ना मेरी बात मेरी बात एक मिनट सुन तो लो। ईद मुबारक। सितारे अपने उम्दा किरदारों अपने फन के नमूनों से हमको महसूस करते हैं, हम उनको देखकर बहुत खुश होते हैं, उनके स्टाइल को अपनाते हैं, उनके बालों के स्टाइल अपनाते हैं, उनके लिबास के डिजाइन कॉपी करते हैं। फिल्म का इतना असर रसूख होता है। इस वक्त हमारे दरमियान फिल्म की एक बहुत नामवर आर्टिस्ट मौजूद हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं, इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही हैं खवातीन हजरात, फिल्म की बहुत ही मारूफ आर्टिस्ट निर्मा। Welcome to my show. Thank you very much for coming and being here with us this evening. Television पे आप कम आती हैं क्यों? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब अच्छा किरदार मिला तो आ भी गई हूँ। अच्छा, फिल्मों से आपने शुरू किया? I think I started both things together. Like एक सीरियल मैंने साइन किया था, अभी ऑन एयर नहीं हुआ था, तो फिल्म की शूटिंग के लिए चली गई। फिल्म का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा या टेलीविजन का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा? आई थिंक काम करने वाले को तो अच्छी टीम चाहिए होती है, वो चाहे टीवी हो या फिल्म हो, मेरे लिए एक जैसा है। मुझे काम करने का मज़ा वहाँ भी आता है क्योंकि शौक से करती हूँ, यहाँ भी अच्छा लगता है, इसलिए फिल्म बेसिकली मैं ज़्यादा फिल्में ही कर रही हूँ। उसके बावजूद जब मुझे अच्छा काम मिला और अच्छा किरदार अच्छी टीम मिली तो मैं टीवी पे भी आई, लाहौर से स्पेशली यहाँ के सारी रिकॉर्डिंग कम्प्लीट कर रही। ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी से इंस्पिरेशन है आपको? जी मुझे हीरोज में वहीद मुराद साहब बहुत पसंद है और सबिया खानम मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहीद मुराद का आपने क्या याद दिला दिया, मैं एक जमाने में स्टेज पे उनकी कॉपी किया करता था। जा सकती हो तो चली जाओ, वरना मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर। फैंस मिलते हैं आपको? मिलते हैं। सताते हैं? सच सच बिल्कुल सच, तंग करते हैं? हाँ तंग करते हैं। सम टाइम जैसे जब आप सीन कर रहे होते हैं, शूटिंग में बिजी होते हैं, टाइम मतलब कम होता है, लाइट जा रही है, प्रॉब्लम है आउटडोर शूटिंग में, तो वो जो फैंस होते हैं उनको होता है कि हमारी बात पहले सुन ली जाए, वो बाद में होता रहेगा, वो छोड़ देना प्लीज, मेरी बात तो सुन ले। क्या बनना चाहती हैं, कौन आइडियल है जहन में जिनको रख के आप काम कर रही हैं कि मुझे इस मकाम तक पहुंचना? मैं चाहती हूं कि जैसे हम लोग अपने मुल्क में तो काम करते हैं, फेम भी होता है, नाम भी होता है, लोग जानते हैं, कुछ ऐसा काम भी करूं जो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे पाकिस्तानी स्टार रिकग्नाइजेशन हो और अपने मुल्क को कहीं प्रेजेंट कर सकूं, कुछ इस तरह से कुछ करने का दिल चाहता है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ। किस साथी आर्टिस्ट से आपकी बनती है, गाड़ी चलती है, मतलब ये कि वो कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? शान के साथ निकाह में काम हुआ और बहुत। शान के साथ निकाह क्या? अभी I'm sorry, मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? शान के साथ फिल्म निकाह में। शान के साथ फिल्म निकाह में आपने काम किया? जी, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत समझाया, जहाँ पर भी समझते थे कि सीनियर वो कुछ बता सकते हैं। बाबर के साथ पूरी फिल्म हुई कर्ज और उसमें ज्यादातर काम कंबाइन था। बहुत बाबर जरा शरारती सा है। जी नहीं, बाबर ने मेरे साथ भी काम किया है, टेलीविजन पे उसने किया था हमारे साथ काम। तो ही इज क्वाइट सीरियस अबाउट हिज वर्क और बहुत सीरियसली काम करते हैं और बहुत कोऑपरेशन से भी बहुत अच्छा काम रहा, उनके साथ ज्यादा मजा आया काम करके। म्यूजिक से दिलचस्पी है आपको? बहुत बहुत, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी में भी एक रिदम है। रिदम, यस, बगैर रिदम, रिदम एंड टाइमिंग। एग्जैक्टली, तो रिदम तो वो नहीं है, म्यूजिक तो डेफिनेटली। तो क्या ख्याल है गाने के लिए? भरपूर ताली बजाएं ताकि पता चले।